Hello students, how are you? I am here for grade 2nd subject English, unit 5, chapter Funny Bunny. Okay, so first we are going to do the hard words. Let's we start. You have to write down on the top of the page unit 5. In first line, Funny Bunny, then skip one line and write down hard words as we write. Okay. F-U-N-N-Y, funny. Funny is a name. F-U-N-N-Y, funny. B-U-N-N-Y, bunny. B-U-N-N-Y, bunny. Bunny is also name. H-E-N-N-Y, henny. H-E-N-N-Y, henny. Henny also name in this chapter. P-E-N-N-Y, penny. P-E-N-N-Y, penny. Okay, am, I am. This is the short form of I am. C-O-C-K-Y, cocky, L-O-C-K-Y, locky, cocky, locky. I'll, this is the short form of I will. This is the short form of I will, I'll, I will. We are, this is the short form of we are, short form of we are. We are हमें नहीं लिखना है, तो short form में हम ऐसा लिख सकते हैं. P-O-S-E-Y, पुजे, G-O-S-E-Y, गुजे, पुजे, गुजे. W-O-X-Y, वॉक्सी, F-O-X-Y, foxy, woxy, foxy. L-U-C-K-Y, lucky, D-U-C-K-Y, ducky, lucky, ducky. This is the rhyming word also we can say. Okay, cocky, locky, posy, gozy, woxy, foxy, lucky, ducky. This is we call rhyming word also. So these hard words you have to write down in your notebook. And first letter must be capital. Write down here the date. Explanation. Funny Bunny. Funny Bunny is the name of the rabbit. One day, a nut fell on Funny Bunny. एक दिन की बात है, वो rabbit जिसका नाम Funny Bunny है, वो nut के tree के नीचे बैठा था और उसके head पे क्या गिरा? Nut. Okay? Ouch! The sky is going to fall, said Funny. Okay, जैसे नट उसके हेड पे गिरा, तो उन्होंने क्या बोला? Ouch! Sky मेरे पे गिरा है. I must tell the king. Funny Bunny said that मैं ये बात king को बताऊंगा. On the way, he met Henny Penny. वो जब किंग को बताने के लिए जा रहा था तो उसको रास्ते में कौन मिला? हैनी पैनी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. फनी बनी ने क्या बोला कि स्काई गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं ये बात किंग को बताने जा रहा हूं. ओके, आई विल कम टू, सेड हैनी पैनी. हैनी पैनी ने बोला कि हम भी तेरे साथ आ रहे हैं. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो कहाँ पे गए? किंग को ढूंढने के लिए गए. ये हैनी पैनी और ये फनी बनी. सून दे मेट कॉकी लॉकी. उसको बीच में कौन मिले? कॉकी लॉकी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. फनी बनी ने बोला कि स्काई गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं किंग को बताने के लिए जा रहा हूं. आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी. कॉकी लॉकी ने भी बोला कि हम आपके साथ आ रहे हैं. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो किंग को ढूंढने के लिए निकले. ऑन द वे दे मेट लक्की डक्की. ऑन द वे दे मेट लक्की डक्की. The sky is going to fall, said Funny Bunny.
ओके फनी बनी ने लकी डकी को भी बोला कि स्काई गिरने वाला है और आई एम गोइंग टू टेल द किंग, ये बात मैं किंग को बताने के लिए जा रहा हूँ। आई विल कम टू सेड लकी डकी, लकी डकी ने भी बोला कि मैं आपके साथ हम आने वाले हैं। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सब साथ में किंग को ढूंढने के लिए गए। कौन कौन? फनी बनी, उसके बाद हैनी पैनी, उसके बाद कॉकी लॉकी, उसके बाद लक्की डक्की। ओके ऑन द वे दे मेट पूजी घुसी, ऑन द वे दे मेट पूजी घुसी, इसको मिले। ओके द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी, फनी बनी ने गुजी को भी बताया कि स्काई गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, हम ये बात किंग को बताने के लिए जा रहे हैं। आई विल कम टू सेड पुजी गुजी, पुजी गुजी ने भी बोला कि मैं भी ये बात बताने के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। ओके एंड ऑफ द वेंट टू फाइंड द किंग, ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। अभी कौन कौन जा रहे हैं? फनी बनी, हैनी पैनी, उसके बाद लक्की डक्की, कॉकी लॉकी, देन लक्की डक्की और ये पूजी गुजी। तो 1, 2, 3, 4, 5 लोग तो किंग को ये बात बताने जा रहे हैं। कौन सी बात? कि स्काई गिरने वाला है। और सबसे पहले किसने ये बात बताई? फनी बनी ने, फनी बनी ने ये बात बताई। अभी उसको रास्ते में कौन मिल रहा है? तो वॉक्सी फॉक्सी। एज यू नो फॉक्स इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं था वॉक्सी फॉक्सी, तो उन्होंने चांस लिया। इन सब लोगों ने वॉक्सी फॉक्सी को बताया द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड, ये सब बोले कि स्काई गिरने वाला है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, ये सब हम सब ये बात किंग को बताने जा रहे हैं। ये फॉक्स अच्छा नहीं था, उनको बहुत भूख लगी थी और उन्होंने इन सबको एनिमल्स को देखा तो उनको ऐसा लगा कि हस अच्छा खाना मिल गया। तो उन्होंने क्या बोला देखो वॉक्सी फॉक्सी ने, द किंग लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी। वॉक्सी फॉक्सी ने क्या बोला कि किंग यहाँ ही रहते हैं, चलो मेरे साथ फॉलो मी। तो ये सब उसको फॉलो करने के लिए गए और एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, वो फनी बनी का एंड था क्योंकि वॉक्सी फॉक्सी को तो बहुत भूख लगी थी। तो एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लक्की डक्की एंड पुजी गुजी, ये सबको ये खा गया। एक्सरसाइज टाइम, रीडिंग इज फन, पेज नंबर 83। वन डे अ नॉट फेल ऑन फनी बनी, फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक द वर्ड, वन डे अ नॉट फेल ऑन फनी बनी। सेकेंड, फनी बनी वॉन्टेड टू टेल द किंग वॉट ही सॉ, इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट द किंग, विच वर्ड इज गिवन हियर, फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक द वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड वन, हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, दिस सेंटेंस आर गिवन, सो हु सेड दीज वर्ड्स, वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ कैरेक्टर। आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, हु सेड इट? फनी बनी। आई मस्ट टेल द किंग, हु सेड? फनी बनी। The king lives here. At last, who said it? Voxy and Foxy. Follow me. Who said follow me? Voxy, Foxy. This you have to write down in your textbook. What happened to all the animals in the end? All the animals fell for Voxy, Foxy's word and he ate them All in the end. Last में जैसे मैंने आपको बताया कि वॉक्सी फॉक्सी ने बोला कि follow me, kings lives here, king lives here. So सब animals उनके पीछे गए और last में
जो फॉक्स अच्छा नहीं था तो उन्होंने सबको खा लिया. तो सो दिस आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, से अलाउड आउच पाउच काउच, फॉलो होलो स्वॉलो, डाउन टाउन फ्राउन, ब्रे प्ले स्वेर. ओके, लेट्स राइट. सर्कल द ऑड वन आउट. सम वर्ड्स गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड आउट ऑड वन वर्ड. बन सन फन गन वन. ओके, सो दीज ऑल आर राइमिंग वर्ड एंड ओ एनी वन इज डिफरेंट. सो सर्कल हियर ऑन ओ एनी वन. देन बेड फेड लेड सेड रेड. सो सेड इज डिफरेंट. सर्कल ऑन सेड. ही मी बी टी वी. सो हियर द साउंड ऑफ टी इज डिफरेंट. ओके, सो सर्कल हियर. वे से हे पे दे. सो टी एच ई वाई दे इज डिफरेंट. सर्कल ऑन दे. फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. ओके, यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं, उसके ऑपोजिट हमें ढूंढने हैं और अकॉर्डिंग दिस वी हैव टू राइट डाउन द सेंटेंस. फैट थिन. शी इज वेरी थिन. फॉल राइज. फॉल राइज गिरना, राइज उठना. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सन ईस्ट में से उगता है. स्टार्ट एंड शुरुआत और अंत. दिस इज द एंड ऑफ द रोड. दिस इज द एंड ऑफ द रोड. कम गो. यू शुड गो नाउ. आप अभी जा सकते हो. बिग ऑपोजिट ऑफ बिग इज स्मॉल. देर इज अ स्मॉल टॉय इन द टॉय बॉक्स. दीज ऑल वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके, आपको ये नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. इन दिस ब्रैकेट वी हैव सम वर्ड्स. फ्रॉम द ब्रैकेट वी हैव टू चूज द वर्ड एंड फिल द ब्लैंक. आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट. वन डे अ नट फेल ऑन हिज हेड. ही थॉट दैट द स्काई वॉज फॉलिंग. So he went to tell the king. On the way, he met different animals. All of them joined him. At last, they met a clever fox. It took them to a forest and ate them all up. These blanks you have to fill in your textbook. ओके, नेक्स्ट वन. रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस. यहाँ पे हमें पजल जैसे दिए हैं वर्ड्स, हमें उसको अरेंज करके एक सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके, सो फर्स्ट वन. ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे. सो राइट सेंटेंसेस. वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. You have to write down in your textbook. Second, falling down the sky is said funny bunny. And correct sentence is funny bunny said the sky is falling down. This right sentence you have to write down in your textbook. King, I must the tell. Right sentence is I must tell the king full stop. After the sentence you have to put full stop. Okay, it is compulsory.
फोर्थ वन, राइट सेंटेंस इज द किंग लिव्स हियर एंड फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86. पेज नंबर 86. चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड. एग्जाम्पल, फेल टेल. ओके, सो हियर डाउन गाउन, मैट बैट, वे डे, किंग रिंग, सुन बुन, बैट फैट. दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. लेट्स डू. ओके, लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम. ये पिक्चर्स को हमें देखकर उसके राइट नेम लिखने हैं. सो चिक, CHICK, चिक, HEN, हैन, FOX, फॉक्स, DUCK, डक, एंड COCK, कॉक. ओके, दिस नेम्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, नाउ पिक्चर स्टोरी. लुक एट द पिक्चर्स, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. दीज यू हैव टू राइट, यू हैव टू डू बाय योर ओन, बट आई एम गिविंग यू द इंग्लिश स्टोरी हियर. यू हैव टू कॉपी डाउन दिस स्टोरी इन योर नोटबुक. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. Once upon a time in a jungle, there lived a ferocious tiger. Ferocious means भयंकर, बहुत क्रूर होता है, उसको सबको खा जाने की बहुत ऐसा होता है कि मैं कैसे खा जाऊँ, बहुत गुस्से वाला होता है. तो ferocious tiger lived in a jungle. One day, from behind the bushes, एक झाड़ी थी उसके पीछे, he saw थ्री rabbits playing near a pond. एक दिन झाड़ी के पीछे से उन्होंने क्या देखा, झाड़ी के पीछे थ्री rabbits वहां पे पॉन्ड के नजदीक खेल रहे थे. He was hungry and planned to attack them. वो बहुत भूखा था, तो उन्होंने उसके ऊपर कैसे अटैक करना है उसके लिए प्लान किया. इन नेक्स्ट लाइन, इन द देर वॉज एन एलिफेंट टेकिंग बाथ मैरली. ओके, तो वहां पे एक एलिफेंट है, बहुत खुशी खुशी बाथ ले रहा था. ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द रैबिट्स, उन्होंने भी रैबिट्स के साथ खेलना शुरू कर दिया. दे सॉ द टाइगर एंड गॉट स्कैर्ड, तो सबने फिर क्या देखा, टाइगर को देखा और वो डर गए. वन बाय वन ऑल द रैबिट्स क्लाइंब द एलिफेंट एंड रीच द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड. तो तीनों के तीनों रैबिट ने क्या किया, वन बाय वन वो एलिफेंट के ऊपर चढ़ गए और पॉन्ड के दूसरे साइड पे वो चले गए. ओके, द एजिटेटेड टाइगर रोर एट द एलिफेंट, मतलब एजिटेटेड मतलब वो जो बहुत गुस्से में, बहुत उत्तेजित था सबको खाने के लिए, वो जोर से चिल्लाया. ओके, किसके ऊपर, एलिफेंट के ऊपर. द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर, एलिफेंट ने क्या किया, जब टाइगर जोर से चिल्लाया तो एलिफेंट ने उसके ट्रंक में क्या किया, वाटर फिल किया. एंड स्प्लैश्ड इन ऑन द टाइगर विथ फुल फोर्स, तो उन्होंने क्या किया, ये सब वाटर अपने ट्रंक में भरा और एकदम फुल फोर्स में टाइगर के ऊपर क्या किया, फेंका, जोर से फोर्स से उसके ऊपर फेंका. द टाइगर फेल डाउन एंड रन फार अवे, टाइगर वहां पे गिर गया और वहां से वो चला गया. सो दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, बाय एवरीवन.